गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्काउट गाइड पीरियड में आज हम नॉट्स के बारे में जानकारी पाने वाले हैं। तो प्रथम सोपान के सिलेबस में हमें टोटल 6 नॉट्स और 3 इंचेस है। कितने नॉट्स है? 6 और इंचेस 3, यानी हमें 6 नॉट्स और 3 इंचेस किस तरह से होते वो जानने हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नॉट्स के नाम। क्या जानेंगे? नॉट्स के नाम। तो वो 6 नॉट्स कौन से हैं उनके मैं नाम बताता हूँ। सबसे पहले आएगी रिफ नॉट, नंबर 2 पे शिट बेंड, नंबर 3 फिशरमैन नॉट, नंबर 4 शिप शैंक नॉट, नंबर 5 बोलाई और नंबर 6 पे आएगी फायरमैन चेयर नॉट। ये 6 नॉट्स हम देखने वाले हैं। उसके बाद 3 इंचेस आते हैं। वो 3 इंचेस कौन से हैं वो जान लेते हैं। पहली है क्लो हिच, 1 राउंड टू हाफ इंच और टिम्बर हिच, ऐसे 3 इंचेस। तो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, पहले नॉट्स के नाम बताता हूँ। नॉट के नाम है रिफ नॉट, शिट बेंड, फिशरमैन नॉट, शिप शैंक नॉट, बोलाइन नॉट, फायरमैन चेयर। और हिचेस कौन से हैं? क्लो हिच, 1 राउंड टू हाफ इंच एंड टिम्बर हिच, ऐसे 3 हिचेस हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे नॉट्स के बारे में। तो पहले हम नॉट्स जो देखने वाले हैं उस नॉट का नाम है रिप नॉट। तो अब हम देखेंगे रिप नॉट। तो चलो सबने अपना अपना रोप लेना है और हम आज सीखेंगे रिप नॉट। रिप नॉट के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा विपिंग, आप सबने अपने रोप को विपिंग किया होगा। मैंने यहाँ पे 2 कलर में विपिंग किया है, एक साइड ब्लैक और एक साइड रेड, ताकि आपको पता चले मैं किस तरह से नॉट लगाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। तो चलो जान लेते हैं रिफ नॉट के बारे में। हमारे इस नॉट का नाम है रिफ नॉट। क्या नाम है? रिफ नॉट। रिफ नॉट के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले रोप के ऊपर रोप रखना है इस तरह से, उसके बाद उसको टर्न करना है और खींचना है। यानी यहाँ पे हमने क्या की, पहले सबसे सिंपल वाली नॉट डाली है, सबसे सिंपल वाली फर्स्ट नॉट, यानी ये आप सबको पता है। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का रोप है वो रेड कलर के रोप के नीचे से आया है। अगर आप देखोगे ब्लैक कलर का जो रोप है वो रेड कलर के रोप के नीचे से आया है और उसको वैसे ही नीचे रखना है, और रेड कलर का जो ऊपर से आया हुआ रोप है उसको उसके अंदर से खींचना है इस तरह से। यानी यहाँ पे 2 लूप तैयार होंगे और उसको खींचने के बाद इस तरह से एक फ्लैट नॉट बनेगी, उसको हम रिफ नॉट बोलते हैं। ये नॉट बांधने में सबसे आसान नॉट है, इसके लिए हमने ये सबसे पहले सीखनी है। हम वापस एक बार देखेंगे रोप को, यानी मैंने फर्स्ट क्या किया है, रेड रोप को ब्लैक रोप के ऊपर रखा है, उसके बाद ब्लैक रोप को रेड रोप के ऊपर डाल के उसके अंदर से खींचा है। देखो ब्लैक पहले क्या किया है, ब्लैक रोप के ऊपर रेड रोप डाला है, फिर रेड रोप के ऊपर ब्लैक रोप को डाला है, उसके बाद उसको पीछे की तरफ यानी उसके अंदर से खींचा और वही उसको टर्न करके मैंने यहाँ पे मेरे 2 फिंगर्स में पकड़ा है। उसके बाद जो रेड रोप है उस रेड रोप को ऊपर से उस लूप के अंदर, उस होल के अंदर डाल के खींचना है। तो ये हमारी रिफ नॉट रेडी होगी। ये फ्लैट होती है, इसके लिए उसको हम इस ये फ्लैट नॉट होती है यानी चपटी होती है, इसके लिए चुभती नहीं। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, बैंडेज के लिए, हम जब बैंडेज सीखेंगे तो बैंडेज में भी हमें यही नॉट यूज करनी है। सारे बैंडेज के जो नॉट्स होंगे वो रिफ नॉट ही होंगे, और रिफ नॉट हमें बैंडेज में यूज करनी है। तो इसको
हमें सीखना है। और एक इसका यूज है ये जो लीफ नॉट है और कहां पे किस तरह से यूज होती है, तो दोनों इक्वल थिकनेस के जो रोप होते हैं उस रोप को बांधने के लिए। देखो इसका यूज कहां पे होगा, दोनों इक्वल यानी एक समान थिकनेस यानी एक जैसे थिकनेस के रोप को बांधने के लिए हमें रिफ नॉट यूज करनी है। ये चीज ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा रिफ नॉट बांधने के लिए किस रोप को बांधी जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर है एक जैसे यानी एक समान रोप बांधने के लिए। यानी अगर आपके पास, मेरे पास अभी दो रोप है, एक ब्लैक और एक रेड व्हिपिंग किया हुआ। ब्लैक रोप अगर मेरा खत्म हो रहा है और मुझे और रोप चाहिए, तो ये रेड रोप मैंने लिया और उससे क्या किया है, मैंने रिफ नॉट बांधी है। कैसे बांधी है वापस एक बार देखेंगे। ब्लैक रोप के ऊपर रेड रोप रखा है, तो मेरे पास जो रोप है ब्लैक और रेड दोनों की लंबाई एक जैसी यानी मोटाई एक जैसे, दोनों एक जैसे थिकनेस के रोप है, इसके लिए ये रिफ नॉट इन रोप के ऊपर डाला हूँ। मैंने ब्लैक रोप के ऊपर रेड व्हिपिंग किया हुआ रोप डाला है, फिर ब्लैक रोप को पीछे की तरफ से खींच के रेड रोप के अंदर से लिया और रेड रोप को ब्लैक कलर के रोप के ऊपर से डाल के उसके अंदर से खींच के इस तरह से खींचा, तो ये हो गई रिफ नॉट रेड। हमें इस तरह से रिफ नॉट बनानी है, तो इस तरह से हमें ये रिफ नॉट सीखनी है। इसके यूज क्या है वो मैं बताता हूँ। इसको हम कहाँ कहाँ पे स्काउट गाइड में यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम कहाँ यूज करेंगे, फर्स्ट एड में बैंडेज करते वक्त कहाँ यूज होगा इसका, फर्स्ट एड में बैंडेज करते वक्त। और सेकेंड यूज यहाँ कहाँ पे होगा, तो सेकेंड यूज यहाँ पे होगा अगर आपको रोप की लंबाई बढ़ानी है, यानी अगर कोई रोप शॉर्ट हो जाता है और उसको और एक रोप ज्वाइन करना है, तो इक्वल थिकनेस यानी एक जैसे रोप को, थिकनेस वाले रोप को ये रिफ नॉट ज्वाइन करके उसकी लंबाई आप बढ़ा सकते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसको हम बैंडेज को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉट फ्लैट होती है, चपटी होती है, तो वो चुभती नहीं, इसके लिए हम इसको बैंडेज में यूज करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉट के साथ।